दहशतगर्दों से बात नहीं होती, साबिक वज़ीरे आज़म नवाज शरीफ का दो टूक ऐलान। कहते हैं मुज़ाकरात सियासतदानों से होते हैं, शहदा की यादगारों और मुल्क जलाने वालों से बातचीत नहीं होगी। पार्टी तितर बितर, इमरान खान को मुज़ाकरात की फिक्र। इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए सात रुकनी कमेटी बना दी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर, हलीम आदिल शेख शामिल। औन अब्बासी, मुराद सईद और हमाद अजहर भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। दावा किया कि जल्द वक्त तब्दील होने वाला है और आने वाले दिनों में बड़े सरप्राइज दूंगा। इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को जानशीन मुकर्रर कर दिया। ख्वाजा आसिफ का इमरान खान की जानिब से ऐलान करदा मुज़ाकराती कमेटी पर तंज। कहा अगर आने वाले दिनों में ये अफराद पीटीआई को खैरबाद कह गए तो मुज़ाकरात के लिए मुतबादल नामों का भी अभी से ऐलान कर दें। राना सनाउल्ला बोले, इमरान के साथियों पर कोई दबाव नहीं, सिर्फ जेल के डर से मुस्ताफी हो रहे हैं। सख्तियों के बावजूद हमने अपनी लीडरशिप को नहीं छोड़ा। कोई आके कहता है कि जी 12 दिन, वो मैंने कहा कि 12 साल तो नहीं है, 12 दिन मैंने जेल काटी है, 12 दिन के बाद जो है वो मैं अब छोड़ रहा हूं पीटीआई को, और मैं जो है वो अब सियासत को ही खैर बात कह रहा हूं, मैंने अब सारी जिंदगी सियासत ही नहीं करनी। ओ भाई, अगर फिर नफरत की तुमने आग जलाई थी और वो आग जो है वो लगी है अब तुम्हें भी, तो फिर हौसला करो ना। आलूदगी फैलाने वाले मिल बैठने के मूड में आ गए। मुल्क से कचरा साफ करने की मुहिम जारी रहेगी। वजीर इत्तला'आत सिंध शर्जील मेमन का भी जारहाना अंदाज। कहते हैं जो आलूदगी जहनों में पैदा की गई अब खत्म हो रही है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले सफाई के अमल में आ रहे हैं। मैं तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होता हूँ, और मैं यहाँ पर खान साहब आपको खुदा हाफिज कहता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज कहता हूँ। रोक सको तो रोक लो गाने वाले इमरान इस्माइल खुद को ना रोक सके। बानी रुकन और साबिक गवर्नर पीटीआई से निकल गए। इमरान खान को खुदा हाफिज कह गए। इमरान इस्माइल का फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को सजा देने का मुतालबा। पीटीआई की कराची में कमर टूट गई। इमरान खान के करीबी साथी अली जैदी भी दगा दे गए। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ूंगा। अगर इमरान खान की जिंदगी में मुझसे तहरीक इंसाफ छुड़ाना चाहते हो, खुदा की कसम इस माथे पे गोली मार दो, खुदा की कसम इस माथे पे गोली मार दो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से और अहम ओहदे यानी कोर कमेटी की मेंबरशिप और जनूबी पंजाब की सदारत के फराइज से भी दूरी। डूबते टाइटैनिक से खिलाड़ियों की छलांगें, मजीद दर्जन से जायद रहनुमाओं ने रास्ते जुदा कर लिए। साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार का इमरान खान से इजहार लातालुकी। साबिक एमएनए राजा खुरम नवाज का पार्टी छोड़ने का ऐलान। कर्नल हाशिम डोगर, डॉक्टर अख्तर मलिक और राय तैमूर भी चले गए। चौधरी इखलाक, मामून ताड़ड़, मनसब डोगर, चौधरी समी ने कप्तान को गुड बाय कह दिया। मियाँ तारिक अब्दुल्ला और शौकत अली भी पवेलियन लौट गए। पीटीआई छोड़ने वाले फवाद चौधरी पांचवी पार्टी बदलने के लिए बेताब। जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। फवाद चौधरी का जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राबता, तरीन की जानिब से ताहाल कोई मुस्बत इशारा ना मिल सका। सबसे बड़े लीडर के दावेदार इमरान खान को जामिन मिलना मुश्किल हो गया। जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में इमरान खान का दूसरा जामिन भी अदालत से गायब हो गया। जामिन पीटीआई सरबरा को पेश करने का वादा करके गया, वापस ना आया। गुज़िश्ता रोज इमरान खान के स्वीपर ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। ऑडियो लीक्स की तहकीकात, जस्टिस काजी फायजीसा ने जुडिशियल कमीशन की कार्रवाई रोक दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराजात उठा दिए। कहा पांच रुकनी बेंच ने कमीशन को सुने बगैर ही ऑर्डर दे दिया। जजेस के बारे में ऑडियोज आई, तहकीकात तो होनी चाहिए। मुझे कोई मर्जी के फैसले के लिए रकम ऑफर करे तो क्या ये गुफ्तगू भी प्राइवेसी में आएगी? कमीशन मामले में फरीक था, उसे नोटिस क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला मातहत अदलिया,
और एग्जीक्यूटिव पर लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। नून लीग के सीनियर नायब सदर मरीम नवाज ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन को काम से रोकना गुनाहगार होने का सबूत है। चीफ जस्टिस एहतसाब से बचने के लिए ओहदा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर दामन साफ है तो क्या कानून का सामना नहीं करना चाहिए? क्या चीफ जस्टिस होने के नाते आप पर कानून लागू नहीं होता? कानून का मजाक बनाने के जुर्म में सजा के हकदार है। किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम, हाथ उठा लिए सबने और दुआ नहीं मालूम। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का शिबली फराज को अहमद फराज के शेर में जवाब। शिबली फराज को अपने वालिद अहमद फराज का शेर दिन में 3 बार सुनने का मशवरा दे दिया। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरा गोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फरा गोगी के शौहर एसएन जमील गुजर भी मुलजम नामजद। मुकदमा एक हाउसिंग सोसाइटी में मंजूर शुदा नक्शे की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक सरकारी रहन शुदा प्लॉटों पर भी गैर कानूनी तामीरात कराई गई। अस्तोर में बर्फानी तोदे ने कयामत ढा दी, 9 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हो गए। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। गिलगित बल्तिस्तान के 3 बड़े अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिस। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क में ऐसे वाकयात बढ़ रहे हैं, दुनिया को जिम्मेदारियां निभाना होगी। कराची जिना अस्पताल की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमी जमाली इंतकाल कर गई। डॉक्टर सीमी जमाली कई रोज से अस्पताल में जेर इलाज थी और वो कैंसर के आर्जे में मुब्तला थी। सीमी जमाली की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जिना अस्पताल की मस्जिद में अदा की जाएगी। लाहौर में समनाबाद अंडरपास मंसूबा कहां तक पहुंचा, वजीर आला पंजाब का एक और सरप्राइज विजिट। मोहसिन नकवी पूंछ हाउस भी गए, तजीनों आराइश के इंतजाम देखे। वजीर आला का पार्क एंड शॉप अरीना जौहर टाउन का दौरा। मुगलिया स्पेनिश चाइनीज अमेरिकन सकाफत पर मुश्तमिल हिस्से देखे। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे पर काम को भी चेक किया। यूटर्न्स को बेहतर अंदाज में तामीर करने की हिदायत। रावी शहर का चहारबाग रिहायशी मंसूबा फने तामीरात का शाहकार होगा। आलमी मयार का इंफ्रास्ट्रक्चर उसे दीगर मंसूबों से मुमताज करेगा। CEO रूडा इमरान अमीन की हफ्तावार ब्रीफिंग। बताया चहारबाग मंसूबे के 2 फेज होंगे। पहले फेज के रिहायशी और कमर्शियल तामीरात का इब्तदाई मरहला मुकम्मल हो चुका। अलहमरा आर्ट सेंटर लाहौर में 3 रोजा जश्न जॉन एलिया फेस्टिवल। दूसरे रोज भी नामवर शायरों अदीबों और सहाफियों की शिरकत। अदब सियासत मईशत और तालीम पर सेशंस हुए। महफिल मुशायरे का अहतमाम भी किया।